हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हीपर सल्फ के बारे में। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हीपर सल्फ जो है इसका सबसे बड़ा यूनिक सिम्टम है कि सर्दी या ज़्यादा जो है ठंड लगना। इसका पेशेंट जो है थोड़े ठंडी हवा से ही उसको सर्दी हो जाती है। इसका पेशेंट जो है बहुत ही इरिटेबल होता है, जरा ही बात में गुस्सा करने लगता है, अपना हर काम तेज़ी से करता है। तो इसका ये पहला सिम्टम है। तो इसको आपको जो है 3 पावर में यूज करना है, 1 1x पावर में, 1 3x पावर में और 1 30 और 200 पावर में। इसको आपको 4 पावर में यूज करना है। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है टेंडेंसी टू पस फार्मेशन। अगर जो है आपको लगे कहीं पर घाव हो गया है या कुछ भी हो गया है, उस जगह पस फार्म हो रही है, तो आप हीपर सल्फ 1000 पावर की जो है एक खुराक दे दीजिए और 3 घंटा पर फिर एक खुराक दे दीजिए, तो उस जगह पर जो है पस नहीं बनेगी। और इसके बाद में इसका दूसरा लक्षण है एब्सेज, फोड़ा। फोड़ा शुरू में एक सरसों की तरह होता है, तो अगर आपको फोड़ा शुरू हो जाए एक सरसों के दाने की तरह, आप उसी समय हीपर सल्फ 1000 की जो है 2 डोज दे लीजिए। अगर 2 डोज से नहीं ठीक होगा तो 3 घंटे बाद में 1 डोज और ले लीजिए। फोड़ा जो है छूमंतर हो जाएगा, फोड़ा आपका उठ जाएगा, फोड़ा बड़ा नहीं होगा, आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ। मेरे फोड़े पाँव पर होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे और हमको हफ्ता 10 दिन परेशान होना पड़ता था। तो उसके बाद जब होम्योपैथी डॉक्टर बन गया तो जो है मैंने ये स्टडी किया कि हीपर सल्फ जो है अगर फोड़ा आपका छोटा है उसी समय आप दवाई दे लीजिए तो आपको जो है फोड़े से मुक्ति मिल जाएगी, आपका फोड़ा कभी बड़ा नहीं होगा। और आप हीपर सल्फ 1000 घर में रखे रहिए, फोड़ा शुरू होते ही आप 1 डोज दे लीजिए, आपका फोड़ा एकदम से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि फोड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर पस हो गया है और स्टिंजिंग पेन हो रहा है, मैं चुभन हो रही है, तो आप जो है हीपर सल्फ 200 पावर की 4 4 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो है पस सूख जाएगा और जो दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हाइपर सेंसिटिव टू कोल्ड, हाइपर सेंसिटिव टू टच, हाइपर सेंसिटिव टू पेन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, आपको जरा भी ठंड लगी आपको परेशानी हो गई, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब हो गया, तो ऐसा सिम्टम मिलता है। इसके बाद में हाइपर सेंसिटिव टू टच, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको छूते हैं और छूने से ही आपको जो है बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप जो है हीपर सल्फ लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका अगला सिम्टम है जो है पसीने पर होता है। इसका पसीना में क्या होता है, पसीना इसका नॉन स्टॉप शूटिंग, पसीना ऐसा होता है कि वो रुकने का नाम नहीं रहता है, पसीना हमेशा होता है और पसीने में एक तरह की गंध रहती है। पसीना आपको हुआ है लेकिन आपके अगल बगल वाले आपसे एलर्जी रखेंगे क्योंकि आपका शरीर से गंध आ रही है। तो पसीने की ये बहुत बढ़िया दवाई है। तो आप हीपर सल्फ 30 पावर की सुबह शाम 4 4 बूंद करके लगातार कुछ दिन दे दीजिए, तो आपका पसीना निकलना बंद हो जाएगा, आपके शरीर से जो गंध निकलती है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला सिम्टम है इसका है स्किन पर जो है, स्किन पर दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा यूनिक सिम्टम है। अगर आपका स्किन जो है क्रैक्ड हो गया, और अक्सर ये ठंड के महीने में ज़्यादा होता है क्योंकि ठंड के महीने में स्किन ड्राई होती है, तो आप जो है हीपर सल्फ 200 सुबह शाम 4 4 बूंद करके लगातार ले लीजिए, तो आपका जो स्किन फट जाता है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्किन जो फट जाता है, स्किन में जो क्रैक हो जाता है, तो अगर ठंडी में ज़्यादा बढ़ता है तो आपको पेट्रोलियम लेना है, अगर गर्मी के महीना होता है तो आपको काली बैकरूम लेना है। लेकिन बिना मौसम के, गर्मी के मौसम छोड़कर और ठंडी के मौसम छोड़कर, बाकी समय अगर आपका स्किन फटता है, क्रैक होता है, तब आपको हीपर सल्फ लेना है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ब्लीडिंग अल्सर। अगर आपको कोई घाव हो गया है, कोई भी कारण से घाव हो गया है, चाहे चोट लगी हो, फोड़ा ही अगर आपको हो गया है और आपने टाइम से दवाई नहीं लिया है और फोड़ा फट गया है, उसमें से खून निकल रहा है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग अल्सर, तो अगर ब्लीडिंग अल्सर हो गया है और आपको दर्द उसमें हो रहा है, तो आप हीपर सल्फ 30 पावर की जो है दिन में 3 बार 4 4 बूंद करके ये हफ्ता 10 दिन दे लीजिए, आपका जो अल्सर से ब्लीडिंग होता है वो आपका तुरंत आराम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है स्किन पर अर्टिकेरिया, जिसको जुलपिती बोलते हैं, इस पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इसका सिम्टम यह है कि अगर आपका अर्टिकेरिया पुराना हो गया है और बार बार निकल रहा है, या आप ख्याल रखिए सिम्टम का, क्योंकि ये सिम्टम पर ही काम करती है दवाई।
अगर आपका अर्टिकेरिया पुराना हो गया है और बार बार निकल रहा है, आप इससे परेशान हो गए हैं, आप हीपर सल्फ 1000 पावर की दे लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। अगले हफ्ते में फिर एक बार एक डोज दे लीजिए 1000 पावर का, तो जो है आपका अर्टिकेरिया से जो है एकदम उससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है स्किन पर। अगर आपके स्किन पर दाने निकल आए हैं और उस दाने में दर्द है, अगर है, चाहे दाने में पस रहे चाहे नहीं रहे, तो हीपर सल्फ देना है। अगर दर्द नहीं है तो सल्फर देना है। अगर बर्निंग हो रही है तो आर्सेनिक कैडमियम लेना है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है साइनस पर। अगर साइनस में इन्फेक्शन हो गया तो उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कैविटी होती है हमारी, जो है कैविटी में पानी भर जाता है। सर्दी हो गई है, आप एलोपैथिक दवाई दे लिए हैं, सिनारिस्ट वगैरह दे लिए हैं, आपकी सर्दी जो है माथे में जाम हो गई है, कैविटी में पानी हो गया है, आपको जो है हीपर सल्फ 1x पावर में देनी है। 1x पावर पाउडर में आती है, दुकान वाले आपको चम्मच दे देंगे, तो आप जो है दो दो चम्मच करके दिन में 3 बार लगातार दे लीजिए। आपका जो साइनस का पानी जो है जुकाम के जरिए बाहर निकल जाएगा, आपको आराम हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम है कान पर। कान में क्या होता है, जो है कान का जो ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, उसमें छेद हो जाता है और उसमें से ब्लड निकलता है, ब्लड डिस्चार्ज। तो दोस्तों, हम अपने अनुभव में ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिनका कान के पर्दे में छेद हो गया है और वो 2-3 बार ऑपरेशन करवा लिए हैं, फिर भी जो परेशान हो गए हैं उनका ठीक नहीं हुआ है। अगर आपको कान के पर्दे में छेद हो गया है और उसमें दर्द हो रहा है और ब्लड निकल रहा है, तो आप हीपर सल्फ 30 पावर में 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए। और उसके साथ में कुछ और दवाई आपको हम बताए हुए हैं, जैसे जो ट्यूबरकुलिन बताए हैं और मिड बताए हैं, तो आप जो 2-3 दवाई मिलाकर जो है मिक्सचर करके आप जो है ले सकते हैं, तो आपका जो ईयर ड्रम का जो परफोरेशन हो गया है, जो ईयर ड्रम में छेद हो गया है, ठीक हो जाएगा परफोरेशन, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है टॉन्सिल पर। तो अगर आपने टॉन्सिल का ऑपरेशन करा लिया है तो आपको जो है लाइफ लॉन्ग तक एलर्जी से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर आपको टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है और दर्द हो रहा है ज़्यादा, और दर्द आपका टॉन्सिल का दर्द कान तक पहुंच गया है और गला जो है फूल गया है और छूने से दर्द कर रहा है, तो आप जो है आँख बंद करके हीपर सल्फ 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, 10-15 दिन दे लीजिए, आपका जो है टॉन्सिल एक बार ठीक हो जाएगा। उसके बाद टॉन्सिल दोबारा नहीं हो, इसके लिए आपको फिर अलग से दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपका टॉन्सिल हीपर सल्फ 30 से एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा, मैं जड़ से नहीं ठीक होगा, टेम्पररी ठीक हो जाएगा। जड़ से ठीक होने के लिए कुछ और दवाई देनी पड़ेगी डायरेक्शन की हाई पावर में। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, इसका स्किन थोड़ा अनहेल्दी रहता है, जरा भी घाव लगता है अगर, तो वो जो घाव जो है सपुरेशन हो जाता है, मैंने पस हो जाता है घाव से। अगर ऐसा सिम्टम है, हीपर सल्फ जो है 200 की एक डोज दे दीजिए और फिर एक हफ्ता में एक डोज दे दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है स्टूल पर, डायरिया पर। इसमें जो है बच्चा हो चाहे आदमी हो चाहे एडल्ट हो, तो इसका जो स्टूल जो होता है क्ले कलर होता है, CLAY क्ले कलर, माने मिट्टी जैसा होता है, जैसे मिट्टी का रंग होता है और उसमें गंध रहती है, तो ऐसा सिम्टम बच्चों को मिलता है, ज़्यादा मिलता है बच्चों को और उसमें गंध रहती है, तो आप हीपर सल्फ 30 पावर की जो है बच्चों को 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन दे दीजिए, आराम हो जाएगा। बच्चों को इसलिए बोल रहे हैं कि ये अक्सर जो है सिम्टम बच्चे में ज़्यादा होता है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फिर गले पर ही है, टॉन्सिल का तो आपको हम बता दिए हैं, तो इसके साथ में क्या होता है कि जैसे कोई कांटा गड़ रहा है गले में और इसके बाद में गले में लगता है कोई लंप है, कोई आपको हमेशा उसको नीचे करना पड़ता है, तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप हीपर सल्फ 30 पावर की जो है 4-4 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए, आपका गले का दर्द ठीक हो जाएगा और जो आपको सेंसेशन होता है लंप का, ये भी आपका जो एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि अगर आपको पेशाब करने के समय अगर खून निकलता है, तो इसकी दवाई आपको हम जब बताएंगे, एक दवाई है टेरीबिंथिना है। अगर आपको पेशाब करने के साथ में खून निकलता है तो आपको टेरीबिंथिना लेना है। हम जब टेरीबिंथिना का सिम्टम बताएंगे तो आपको सब क्लियर कर देंगे, लेकिन हीपर सल्फ में क्या होता है कि आप पेशाब कर लिए, पेशाब करने के बाद में आपको ब्लीडिंग होने लगता है, हिमरेज होता है आपको पेशाब करने के बाद। याद रखिए, हीपर सल्फ 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 2-2 घंटे पर ले सकते हैं, जब तक कि आपका ब्लीडिंग नहीं ठीक होगा तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कान पर जो है। अगर आपका कान बहुत दिन से बह रहा है, बाकी दवाई तो आपको जो सिम्टम मिलेगा लीजिएगा, लेकिन आपको हीपर सल्फ से ही शुरू करना है। आप जो हीपर सल्फ 200 सप्ताह में एक बार, अगर बहुत दिन की बीमारी है, क्योंकि ये जो है क्रॉनिक अटोरिया में काम करती है, आपका कितना ही पुराना से पुराना कान का बहना रहेगा वो बंद हो जाएगा।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है खांसी पर, कफ पर। तो इसकी खांसी का सिम्टम क्या है कि खांसी ड्रिप आती है, अंदर से खांसी आती है आपको अंदर से, और बार्किंग कफ, और उसके साथ में आपको गला बैठ गया है, खांसते खांसते गला बैठ गया है। तो आपकी खांसी की ये बहुत बढ़िया दवाई है। खांसी के सिम्टम में आपको गोली भी देनी है, आप 200 की गोली बनवा लीजिए। आप जो दो दो घंटे पर जो चार चार पाँच चार गोली खाते रहिए, आपकी खांसी जो है कैसी भी खांसी ड्रिप रहेगी, आपकी खांसी जो है एक दिन में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको हीपर सल्फ के बारे में बताया। अगर आपको कोई डाउट हो या आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7059613492। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा एक और चैनल है इंग्लिश में जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी। इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।